जैसे गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने उंगली में उठाया, उसी तरह भगवान शिव ने माउंट आबू को अंगूठे पे धारण किया हुआ है। Hey guys, welcome to our channel, लिख रहा हूँ वीडियो। अभी हम आए हैं अचलगढ़ और अभी हमने अपनी कार पार्क कर दी है पार्किंग में, और कार पार्किंग है 40 रुपीज, टू व्हीलर पार्किंग 10 रुपीज और टेम्पो पार्किंग है 50 रुपीज। हाँ, हमारे साथ हमारे गाइड हैं वसुंधरा। वसुंधरा फ्रॉम द अचलगढ़, द लॉर्ड शिवा टेम्पल हियर द दिस साइड, हियर द 3 बफेलो स्टेचू, दिस अचलगढ़ स्पॉट, द गाइड। ओके, चलिए चलते हैं इनके आगे साथ। आप इस स्पॉट पर खड़े हो ना, इस स्पॉट का नाम है अचलगढ़ और टेम्पल का नाम है अचलेश्वर महादेव टेम्पल है, जो पीछे में सूखा हुआ लेक है। इस लेक का नाम कहा जाता है मंदाकिनी लेक। ये लेक पहले सतियों के टाइम में शुद्ध घी से भरा हुआ रहता था, और आजकल के इंदर में कलियुग आ गया, इसलिए पूरा सूखा हुआ लेक है, जिसके किनारों पर छोटी छोटी हट बनी हुई है, झोपड़ियाँ, जिन झोपड़ियों के अंदर में सप्तऋषि बैठकर घी का सूत यज्ञ हवन किया करते थे। तो ये जो सामने आपको पत्थर के 3 पाड़े बने हुए दिख रहे हैं स्टेचू, ये पहले 3 पाड़े नहीं थे, ये पहले बल्कि मायावी 3 राक्षस थे, 3 डेमन्स। तो लाख के तालाब में घी को झूठा नष्ट कर लेते थे, जिससे ऋषि लोगों का यज्ञ हवन नहीं होता था। तो माउंट आबू का राजा कहा जाता है आदिपाल परमार राजा, उन्होंने 1 एरो 1 तीर से तीनों को मार दिया। उसके यादगारी के रूप में यहाँ पर मैं 3 बफेलो का स्टेचू बनाया हुआ है, जिसके पेट में आप देखेंगे आज भी तीर के निशान छेद हॉल बने हुए, जिसके ऊपर में ईंटों का रेड कलर का पहले से मेल बना हुआ सामने। हाँ। वो पहले से MP उज्जैन के राजा भर्तरी, जिनकी रानी पिंगल आती। हाँ। मेल अभी टूट कर खंडित हो चुका है, ओनली 4-1 दीवार बचा हुआ है। वो पिंगला जी ने जिनको धोखा दिया था। हाँ, जो बाद में राजा भर्तरी जी उज्जैन चले गए थे, जोगी बन जाते हैं। हाँ। और रानी पिंगला हथियारों से मारी जाती है। अच्छा। और जो लॉर्ड शिवा का मंदिर है, वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स है, जो हर अभी जाएंगे अपने टेम्पल, जो हर लॉर्ड शिवा के टेम्पल में शिवलिंग की पूजा होती है या उनके मूर्ति फोटो वगैरह की पूजा रहती है, लेकिन इस मंदिर में ना तो शिवलिंग के ना तस्वीर है, इस मंदिर में भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है मंदिर के अंदर। वो यहाँ पर अंगूठा किस लिए है कि शंकर भगवान की छोटी सी नंदी गाई थी, कामधेनु की पुत्री नंदनी, जो भ्रम खाई गड्ढे पाताल के अंदर गिर गई थी, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर मैं 33 करोड़ देवी देवता आए थे, जिसमें से लॉर्ड शिवा नहीं आए थे। तो ये माउंट आबू है, ये मेंटेनिंग स्टेबल नहीं हो रहा था, हिलने डुलने लगा था। अच्छा। तो गुरु गौतम ऋषि ने और गुरु वशिष्ठ ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो भगवान शिव ने काशी से बैठकर अपना दाहिना पैर लंबा किया और माउंट आबू को स्टेबल किया हुआ अंगूठे के ऊपर, नहीं हिलना नहीं डुलना, एक जगह स्टेबल रहना। जैसे गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने उंगली में उठाया, उसी तरह भगवान शिव ने माउंट आबू को अंगूठे पे धारण किया हुआ है, इसलिए इस स्पॉट का नाम कहा जाता है अचलगढ़ और टेम्पल का नाम है अचलेश्वर महादेव टेम्पल है, इसलिए यहाँ पर अंगूठे की पूजा होती है। अचल मीस स्टेबल, गढ़ मीस फोर्ट, किला। पहले यह फोर्ट था, अभी टूट कर खंडित हो चुका है। 1452 के अंदर मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जिनका कुंभलगढ़ के अंदर फोर्ट है, जिन्होंने 32 फोर्ट बनाए और राजस्थान में उन्होंने फोर्ट बनाकर इस अचलगढ़ के अंदर 16 साल राज किया हुआ है। टेम्पल के बाहर एक नंदी बैल है, जिसका वेट है 4320 kg, 4320 किलो नंदी का टोटल वेट है, जो नंदी 5 मेटल से बना हुआ है, सोना चांदी पीतल तांबा कासा 950 kg गोल्ड है। और ऐसा नंदी गाय वर्ल्ड के अंदर 2 जगह है, फर्स्ट नंदी गाय कंठ पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू के अंदर, जहाँ पर गोल्ड का नंदी है, सेकेंड है अचलेश्वर महादेव के मंदिर में, यहाँ पर 5 मेटल्स का नंदी बैल पंच धातु। दूसरे किसी भी आप लॉर्ड शिवा के मंदिर में जाएंगे तो ज़्यादातर नंदी बैल छोटे मार्बल में मिलेंगे या फिर काले पत्थर में मिलेंगे। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर का पड़ता है अहमदाबाद, जहाँ का बादशाह था मोहम्मद बेगड़ा गजनवी बादशाह। गुजरात के अंदर 2 हमले किए, सौराष्ट्र सोमनाथ के मंदिर को, पाटन के मंदिर को। थर्ड मंदिर इस मंदिर में आक्रमण के लिए आया तो अंगूठे के पास गया, कुछ नहीं मिला, उसका नज़र नंदी पर गिरा, सोचा कि यह नंदी बहुत सॉलिड है, इस नंदी में बहुत सारे हीरे जवारे होंगे, तो लालच में नंदी को तोड़ फोड़ करने लगा, लेकिन नंदी के पैर के घुटनों में से भगवान शिव का चमकदार होकर लाखों करोड़ों की जहरीली मधुमक्खियाँ निकली, हनी बीस, सेना पर टूट पड़ी, तो सेना 9-2-11 हो गई, लेकिन मोहम्मद गजनवी नहीं भागा, उसने भगवान शिव से क्षमा माफ़ी मांगी कि ना हिंदू लोगों का मंदिर लूटूंगा, ना किसी के पास लुटवाऊंगा। माफ़ी मांगकर नंदी के पास में एक बड़ा त्रिशूल बैठ किया हुआ है, टेबल से 10 रुपीस का कपड़ा लेकर बांधकर 4 राउंड लगाने से मन की विष पूर्ण हो जाती है।
और अंगूठे के नीचे आज भी प्राकृतिक ब्रह्म खाई गड्ढा पाताल बना हुआ है, जिसके अंदर कितना भी वाटर जो पानी डालते हैं उसका लेवल नहीं आता है, पूरा पानी है जो पाताल में चला जाता है। लेकिन मेवाड़ के महाराणा कुंभ ने पाताल को गड्ढा समझकर टेंपल के बैक साइड में एक बावड़ी खुदवा कर 600 तक लगातार पाताल में पानी डाला, लेकिन उसका लेवल नहीं आया, तो माफ़ी मांग कर एक त्रिशूल और अंदर दो स्फटिक पत्थर की मूर्तियाँ भेंट की हुई है। आगे से दीपक करने पर ब्लैक में दिखती है और पीछे से गोल्डन में दर्शन मिलते हैं काल भैरव चामुंडा माता के, आज से 800 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और अभी मैं शायरी सुनाती हूँ सुनने का, चाय के अंदर पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा, और वसुंधरा जैसी गाइड ना तो स्टोरी और शायरी सुनने का क्या मजा, अगर गाड़ी के पहिए के नीचे हवा नहीं तो चलाने का क्या मजा, और अंकल के साथ में अंटी ना तो घूमने का क्या मजा। अगर अंतर की सीसी पत्थर से फोड़ दूं और जींस वाली मिल जाए तो साड़ी वाली को छोड़ दूं। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और लड़कों को अक्कल आती है लड़कियों की याद की चप्पल खाने के बाद। हम अगर जाम के ऊपर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियेंगे तो सुबह उतर जाएगा, और हरी नाम का प्याला पियेंगे तो जिंदगी सुधर जाएगा। अगर आसमान में तारे ना होते तो रस सुहानी ना होती, आसमान में तारे ना होते तो रस सुहानी ना होती, और दिल दीवानी ना होती तो वसुंधरा गाइड की और ताजमहल की कुछ कहानी नहीं होती। अगर सिंगल वाले नाराज मत होना, 2x2 कपल में आओगे, और 2x2 कपल वाले नाराज मत होना, इस बार आओगे तो 3x3 में आओगे। फूल है गुलाब का खुशबू लिया करिए, और वसुंधरा गाइड है आपका इनाम तो दिया करिए। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये है अचलेश्वर महादेव मंदिर, अभी हम इसके अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं अंदर। शिव जी के दाएं पैर के अंगूठे की यहाँ पे पूजा होती है, जैसा कि अभी आपको बताया था वसुंधरा ने, तो अभी देखते हैं मंदिर में क्या है। ये मार्केट है, थोड़ा सा अंदर घुस के छोटे से 2-4 शॉप्स हैं। अंदर जाने के लिए ये वाला रास्ता है। ये वो नंदी जी की मूर्ति है जिसके बारे में बात की गई थी, जिसके घुटनों से मधुमक्खियां निकली थी काफी सारी। फ्रंट से दिखाती हूँ, गाइस यहाँ से 10 रुपए का कपड़ा मिलता है। ये अंदर चढ़ाना होता है भगवान जी? नहीं, त्रिशूल को बांधते हैं। त्रिशूल पे बांधते हैं, क्यों बांधते हैं? कोई बांध के चार जिसकी परिक्रमा करते हैं, कोई भी बीच में मन्नत पूरी होती है। अच्छा, बांध के उसकी परिक्रमा करते हैं तो मन्नत पूरी हो जाती है, आप कोई भी मन्नत मांगते हो तो। ये है त्रिशूल, कपड़ा बांधना है जिसपे, अभी ये मन्नत मांगी जा रही है कि हमारे YouTube वीडियो चल जाए। ये है गजानंद महाराज जी, नीलकंठ महादेव जी हैं यहाँ पे। पीछे ये मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफी बड़ा होने वाला है मंदिर। ये है मंदिर का मुख्य द्वार, अभी हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के।
आज हम घूम के आए। अचलगढ़ मंदिर रात बंदे तीन पड़े भी देखे। So guys, ये था हमारा वीडियो अचलगढ़ अचलेश्वर मंदिर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कंजूसी मत कीजिए लाइक करने में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मंदिर कैसा लगा है, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो प्लीज जरूर दीजिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।